Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान को धमकी और नई अफगान पॉलिसी के बाद दरपेश चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, मकबूजा कश्मीर और म्यांमार में मजालिम रोकने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाए, इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सफीरों के 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में सोच विचार जारी। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी बरादरी पाकिस्तान की कुर्बानियां तस्लीम करे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी बरादरी के साथ तआवुन जारी रखेंगे। साथ ये भी कह दिया कि मुल्की वफाद का तहफ्फुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी जारी, रखाइन में 30,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान फंस गए, खाने पीने की अशिया और अद्वियात नापैद, बांग्लादेश की सरहद पर पहुंचने वाले भी बेयारो मददगार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में म्यांमार के मजलूम मुसलमानों से इजहारी यकजहती के लिए रैलियां, वकला का अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट, मुसलमान ममालिक म्यांमार हुकूमत का बॉयकॉट और उसके सफीरों को मुल्क बदर कर दें, सिराजुल हक का मुतालबा। बर्मा की सफीर को पाकिस्तान से निकाला जाए और 54 इस्लामी ममालिक है वो भी बर्मा के सफीरों को निकाल दे और उनके बॉयकॉट का ऐलान कर ले। तालीमी इदारों में मनशियात का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली, समझ नहीं आता इतनी सिक्योरिटी के बावजूद मनशियात तालीमी इदारों में कैसे जाती हैं? बताया जाए कि क्या तालीमी इदारों के मनशियात फरोश मुलाजमीन को पकड़ा गया? मालूम है मकरू धंधे में कौन कौन मुलव्विस है, नाम नहीं लूंगा, मीडिया में किसी का नाम आना बुरी बात है, मुआशरे को दुरुस्त सिमत में चलाना होगा, जस्टिस दोस्त मोहम्मद के रिमार्क। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद ख्वाजा इजहार पर हमले का दूसरा मुलजिम अब्दुल करीम सरोश आज भी कानून की गिरफ्त में न आया, गुज़श्ता रोज पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में फरार हो गया था। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भाभी कुलसुम नवाज की अयादत के लिए 4 रोजा दौरे पर लंदन चले गए, बड़े भाई नवाज शरीफ से भी नैब रेफरेंसेज और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। NA 120 पर जाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी के मामले पर सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन के पेश न होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम, कहा हुक्मरान जमात ने जाब्ता अखलाक को मजाक बना रखा है, 7 सितंबर को जवाब जमा कराने का हुक्म। ईद तो गुजर गई मगर शहरों की गलियों में तआवुन बरकरार, गंदगी के ढेरों से मुश्किलात में इजाफा, कराची में सफाई की अबतर सूरत हाल पर वजीर आला सिंध बरहम, कहा कल ओपोजिशन लीडर के घर गया, इलाके में सफाई नहीं थी, डीसी वस्ती को कहने के बावजूद कोई काम होता नजर नहीं आया, MD वाटर बोर्ड को आज यूसुफ गोट से पानी निकालकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ईद उल अजहा पर मुल्क भर में 80 से 90 लाख मवेशियों की कुर्बानी हुई, खालों की मालियत का अंदाजा तकरीबन 4 अरब 65 करोड़ रुपए लगाया गया। ईद उल अजहा की छुट्टियां खत्म हो गई मगर दिल अभी भरा नहीं, स्कूल और दफातर तो खुल गए मगर हाजिरी मामूल से कम। पेशावर में डेंगू वायरस ने एक और जान ले ली, तहकाल की रिहायशी खातून खैबर टीचिंग अस्पताल में चल बसी, वायरस से जाँबहक अफराद की तादाद 16 हो गई, 400 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज।